मैं एक छोटा सा कोरस गाना चाहती हूँ मराठी मध्य है और वो मराठी में है एक लाख हजार को करा सोब तुभे नवे गीत ते गात आहे। एक लाख चौवी हजार संत शिखरावर कोकरा सोबत नवे गीत ते गात आहे परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो परमेश्वर के नाम नामक धन्यवाद देती देते माझा जन्म ह्याच मिशनच्या एका कुटुंबामध्ये जन्म झाला और मेरा जो जन्मत था, आ, ये, आ, इसी पेंटिकोस्टल परिवार मी हुआ आणि त्या ह्या पेंटिकोस्टच्या अनुभवामध्ये माझं जीवन वाढत गेलं और इस पेंटिकोस्टल के जीवन के अनुभव बढ़ने के लिए परमेश्वर परमेश्वरने मेरी सहायता माझ्या आईवडिलांनी पण ह्या सत्याच्या मार्गामध्ये पवित्र जीवनामध्ये माझं पालन पोषण के लिए और मेरे मा, मेरे माता पिता ने भी इस पवित्र जीवन में इस विश्वास के मार्ग मा, मार्ग में मेरी परवरिश की और जब मैं तीन साल की थी जब मैं तीन वर्षाची होते जब मैं तीन साल की थी तरह जीव माजा शरीर मधे का आजार आए और मेरे शरीर में कुछ व्याधि आए मज सर, सर्व शरीर फोड़ाने भरल और मेरे पूरे शरीर में मेरा पूरा शरीर से, से ग्रस्त हुआ और मेरे सर से, लेकर पे पैरों तो फोड़ों से ग्रस्त हुई और कोई भी मुझे छू नहीं सकता था। हाँ कुछ हाथ लाऊ सकत न कोई भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता वडिला है तीस माजी सेवा करत होती लेकिन मेरी जो बुआ थी वही मेरी सेवा कर रही थी घर मधे कु कूप शकत जवर और घर में कोई भी व्यक्ति मेरे करीब नहीं आ पाता था दिवस मधे आम सेवक लोग मजा सा खूब प्रार्थना के लिए और उन दिनों के दरमियान हमारे जो सेवक थे वो घर पे आते थे और उन्होंने मेरे लिए बहुत ही प्रार्थना की तरह प्रार्थने के द्वारा मला देवाने ने बड़ा और उनके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया एक दिवस रात्र भर ही उन सिस्टर लोक ने प्रार्थना के लिए और एक दिन पूरी रात भर सिस्टर्स हमारे घर में बैठ प्रार्थना किए और उसके द्वारा मुझे चंगा ही मिला जीव तीन वेड़ा गेला और जब सिस्टर्स प्रार्थना कर रहे थे तीन बार आ, मेरा प्राण ऊपर चल, चला गया आ, आ, तीन देव, तीन वेड़ा गेला पर ताला और तीन बार मेरा प्राण ऊपर चला गया और फिर दोबारा लौट कर आया सिस्टर लोका ने आई वाला ने तुम्हारे मुलीला देवा अर्पण करा अर्थगुण सेवकों ने मेरे माता पिता से कहा कि अपनी इस बेटी को परमेश्वर के लिए आप समर्पण कीजिए मेरी प्रार्थना के लिए देवा ही मुलगी जर ही, जर ही प्राण गेला तरी आम फायदा नहीं आजापन फायदा नहीं और तब मेरे माता पिता ने कहा कि ये बेटी तेरी है प्रभु यदि इसका जीवन चला जाए तो ये हमारे लिए भी लाभ का कारण नहीं होगी ना किसी के लिए जर ही जीवंत तर राहली तरपण करते यदि इस ये जीवन प्रा, प्राप्त करती है तो इसको हम आपकी सेवकाई के लिए प्रदान करेंगे माझा जीव परत आला और तब मेरा प्राण दोबारा लौट कर आया देवाने माला थोड़ा थोड़ा केलं और परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे पूरा पूर्ण चंगाई दी हाँ पास लापन परमेश्वर विश्वास मध्य जीवन जगने मेरा परमेश्वरा ने कृपा दिल और बचपन से लेकर विश्वास जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की प्रभु ऐसी रहने कृपा दिली और उसके समुख में बने रहने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की संडे स्कूल मध्यपन शिकने कृपा दी और संडे स्कूल में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की जस जस मेवाड़ गे तो माझे माझ्या वयाच्या चौदाव्या वर्षामध्ये देवाने मला पवित्र आत्माचा अभिषेक दिला और जैसे मेरी उमर बढती गई जब गे मेरी आयु चौदा साल की परमेश्वर तर परमेश्वरने पवित्र आत्मा का अभिषेक द्या त्या दिवसामध्ये खूप प्रार्थना म्हणजे खूप संजीवन आमच्या पुण्या शहरामध्ये होतं और उन दिनो के दरम्यान हमारे पुणे शहर मे एक बहुत बडी बेदारी थी आ, मी एकोणीसशे पंचहत्तर वर्षा गोष्ट संग पचहत्तर की बात बता रही हूँ हाँ, संजीवन प्रत्येक प्रार्थना चाल और उन दिनों के दरमियान हरेक परिवार में हर एक जगह में लोग इकट्ठा होके प्रार्थना किया करते थे प्रार्थने द्वारा आमचारे थे राहत देवा संजीवन खूब होता और उन उस प्रार्थना के कारण जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर भी बहुत बड़ी बेदारी थी हाँ, लो, सेवक लोगों पर उन प्रार्थना मीटिंग सब चालत होते और सेवक लोग भी वहाँ पर आते थे और प्रार्थना प्रार्थना को का आयोजित प्रार्थना को आयोजित करते थे अंतर हाँ, जाति चलो को अपन देवा मधे त्या दिवसामध्ये येत होते और उन दिनो मे अन्य जातीचे काही लोक आते थे असं संजीवन त्या दिवसामध्ये होतं और इस प्रकार की बेदारी उन मे त्या दिवसामध्ये मला देवाने पवित्र आत्माचा अभिषेक दिला और उन दिनो ही परमेश्वरने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया आणि देवाचं प्रेम माझ्या हृदयामध्ये होतलं आणि उसका जो प्रेम था मैंने मे हिर, मेरे हृदय मे उंडीला माझं माझं मन देवाक देवाची सेवा करावी देवाचा देवासाठी आपलं जीवन द्यावं हाच मजा आग्रह होता और मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करूँ और उसकी सेवा करूँ पर परमेश्वर जीवन मजा जीवन आयुष्यर मैं परमेश्वरा घर सेवा करेल हा मजा आग्रह होता और मेरी एक ही इच्छा थी कि परमेश्वर में परमेश्वर के भवन में रहते हुए मेरे जीवन भर मैं उसकी सेवा करूँ मार्गदर्शन के लिए और उसके लिए हमारे जो सेवक थे उन्हें मेरा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया आ, आ, नंतर नी पापाटी माझे पाप परमेश्वरा जवळ मी सर्व कबूल करून पाण्याचा बाबतीसम घेण्यासाठी मला देवाने मदत केली और फिर अपने सारे पापो से पश्चाताप करते हुए पवित्र पाणी का लेने के लिए प्रभु प्रभूने मेरी सहायता की पाण्याचा बाप्तिस्म घेतल्याच्या नंतर त्यानंतर देवामध्ये आणि वाढण्यासाठी परमेश्वराने पाणी का बाप्तिस्मा के पश्चात परमेश्वर मे अधिक लिए प्रभु प्रभूने मेरी मदत की तर घरातले लोक ते सेवेमध्ये पाठवण्यासाठी मोठी झाल्याच्या नंतर त्यांचं मन नव्हतं और मेरे घर घर के जो लोग थे वो आ, मेरे में सयानी होने के बाद उनकी ये इच्छा नहीं थी कि मैं सेवा में ना ना एक जाऊ नाते नाते नहीं कठिन है तुम जाओ नको और मेरे रिश्तेदार भी कहते थे कि ये सेवा बहुत ही कठिन है आप इस सेवा कहीं में नहीं जाना परंतु मे होते नहीं परमेश्वर माजा बरोबर है माला परमेश्वर संभाले और तब मैं कहते कि नहीं प्रभु मेरे साथ है प्रभु मुझे संभालेगा परमेश्वरा ने एक वचन दिला आकाशत पक्ष तेना पालन पोषण कर तो तुझे करना नहीं का है। और परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि आकाश की आकाश के जो पक्षी है वो ना तो वा, वा, ना तो बोते है ना काटते है और ना ही अपने लिए बटोरते है लेकिन फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ तो क्या तुम्हारा मूल्य इनसे बढ़कर नहीं है त्य मन दृढ़ और तब मेरा हृदय दृढ़ हुआ परमेश्वर मैं त्य समर्पण के और उस समय मैंने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण किया देवा तुझी इच्छा मजा जूना मध्य पूर्ण में समर्पण करते और मैंने कहा कि हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए मैं समर्पण करती हूँ पर्मेश्वरा च दर्शन नहीं तो परमेश्वर अपने शोल पाजे परमेश्वराज प्रार्थना करते होते और तब मैं दुआ कर रही थी कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे या मुझसे बातचीत करे मी तो जेवी गीत, गीत गायल तो गीत थोड़ा वर्षा पूर्वी निघा परंतु ते गीत और जो गीत मैंने अभी गाया वो उन दिनों में नहीं था आ, ते आता थोड्या वर्षापूर्वी ते गा गीत आले कुछ कुछ साल पहले ही इस गीत की रचना केली परंतु शिव शिओन शी शिखरावर जे पवित्र लोक आहे एक लाख चव्वेचाळीस हजार त्यांच्यामध्ये मी दर्शन बघितलं की मी त्यांच्या त्यांच्यामध्ये जाऊन ते लोक आनंद करत होते परमेश्वराचं नाव गौरव करत होते आणि त्यांच्यामध्ये जाऊन मी आनंद करायचा असा माझा आग्रह होता और तभी मैंने ऐसे दर्शन देखा कि एक लाख चव्वालीस हजार जहाँ पर परमेश्वर के संत इकट्ठा हुए हैं उनके बीच में जाकर मैं उनके साथ आनंद मना रही हूँ हाँ परंतु पह, पहले मैं पहले कि तुम जाए खूब अड़खला नहीं लेकिन मैंने देखा कि वहाँ जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं नंतर एक मनुष्य जो पांधरे कपड़े घालून पिता परमेश्वरा सारखेज आला तो मैं मुली वर से और तब एक श्वेत कपड़े पहने हुआ एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि हे बेटी क्या तू तो ऊपर जाना चाहती है आनंद कराया और मैंने उनसे कहा कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ और उनके समेत मैं आनंदित होना चाहती दाखोलिया और फिर उन्होंने मुझे वो स्टेप्स को दिखाया इतना ऊंचा होता और वो बहुत ही ऊंची थी तो पायर तुला वर जावा और उन्होंने कहा कि ये सारे पर से तुमको ऊपर चढ़ना है मी, पर देवा तुझी कृपा चढ़े तो और तब मैंने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु यदि तेरा अनुग्रह मेरे साथ है तो मैं जरूर स्टेप्स पर से चढ़ पाऊंगी देवाने मैं पायर कृपा दी मी तिथे जाऊन मी आनंद करो लागले और परमेश्वर ने वहां पर मुझे ऊपर चढ़ने के लिए मेरी सहायता की और मैं उनके साथ मगन हो गई आ, माझे और उसके बाद मेरी आंखें खुल गई नहीं और कुछ भी नहीं म, था मजा विश्वास झाला कि परमेश्वर ने मेरा और तब मेरा विश्वास अधिक दृढ़ हुआ कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है एक महान प्रतिष्ठित माला परमेश्वर ने बोलवल और 1980 में इस महान प्रतिष्ठित सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे अलग किया या सेवा हाथ माही माजी कहीं योग्यता नहीं परंतु परमेश्वर ने माला योग्य के लिए ये सेवा करने के लिए मेरी कोई भी योग्यता नहीं है लेकिन परमेश्वर ने मुझे योग्य ठहराया देवा मध्य आतापर्यत परमेश्वरा सेवा आनंदा उल्लासा करण्यासाठी प्रभूने मला कृपा दिली और आज तक परमेश्वर के भवन में रहते हुए उसकी सेवकाई को आनंद के साथ करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की हाँ जीवन मधे मोटे आले नहीं मेरे जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां तो नहीं आई परंतु लहान छोटे छोटे आजार आले और ऐसे छोटे मोटी बीमारियां मेरे जीवन में शरीर हाँ, में आई पण देवाने मला आरोग्य दिले और उसमें से भी परमेश्वर ने मुझे चंगा किया हाँ आरोग्य सहित देवाची सेवा करण्यासाठी प्रभु ने कृपा दिली और आरोग्य के साथ अच्छी सेहत के साथ उसकी सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मेरी अभी तक सहायता की है परमेश्वर ने कृपा दिया आने वाले दिनों में भी परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा अनुग्रह दे आ, मी, मी सेवा जीवन संपूर्ण देवाला अर्पण करते और पूर्णता से मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करती हूँ मेरे मेरे आप सब प्रार्थना कीजिए जी, जी, जी सा, साक्षण मुला मुलां सांगते। और जो मेरी गवाही सुन रहे है उन जवान भाई बहनों से मैं कह रही हूँ देवाची सेवा कर देवाला अपना जीवन अर्पण करना हे मुख्य है और परमेश्वर की सेवा करना उसके लिए अपने आप को समर्पण करना ये बहुत ही बड़ी बात क्रिस्ता ने अपना जीवन अपने अपना प्राण हमारे लिए दिया त्याने रक्त अपने उसने अपना खून हमारे लिए बहाया अपन अपल रक्तरुणपण रक्त वाहून अपन त्याची सेवा करावी नावाचा गौरव करावा मुख्य गोष्ट आहे आणि और इसीलिए हम हम भी अपने जवानी में हमारा जो जवानी का जो खून है वो परमेश्वर के लिए वो उन्देलते हुए, उसकी सेवा करते हुए उसके लिए वो हम जीवन बिताए, यही बड़ी बात है यही अनुरोध है कि अपने जीवन को नष्ट नहीं करे लेकिन परमेश्वर के लिए अपने को समर्पण कर जगह का नाही इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जब सर्व का नष्ट होना रहा है ये दुनिया नाश होने वाली है परंतु आपला नाश होना अपन स्वर्ग मध्य बीसू अपन आनंद करावा जीवन देवाला समर्पण करा लेकिन हमारा नाश हो नहीं होना चाहिए और हम के साथ हमेशा हमेशा नित्यता में दिखाई देना चाहिए इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए माजी साक्ष्य में समाप्त ये कहते हुए मैं अपनी गवाही को समाप्त करती हूँ

इस सेवकाई के लिए ने उसको बुलाया है इस बात को समझने के लिए ने मदद किया एंड सो इट वेरी गॉड शो द मेनी 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 स्टेप्स टू क्लाइम आई विल डू इट द लॉर्ड कॉल्ड द गिव द

Is calling many young people tonight. There is nothing wasted in if the Lord, not everyone is called, if the Lord is calling you for this full-time ministry, it is not a waste, but it's an

seven and keep a faithful to the end shall we praise god parameshwar anekon ke isthan se pemishik ki seva ke liye uthana chahiye aur isse dhany seva ko bhi parameshwar aashish karna chahiye iske liye parameshwar ko dhanyavad kare hallelujah